संजू प्लीज चलो मत बंद करो अपना ये तमाशा इस घर में कोई शादी वादी नहीं हो रही है सबके सब डेकोरेट है बाहर सीरियल परिणीति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ दिखा संजू का गुस्सा तो वहीं दूसरी तरफ नीति ने भी जमकर संजू को खरी खोटी सुनाई। मुझे क्या है? जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी से उसकी जिंदगी से उसकी इज्जत से तो मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? और भाई जी मैं तुम्हें बता दूं संजू कि दलजीत ने ना ये शादी को करने से मना कर दिया था। जी हाँ, एक तरफ जहाँ सीरियल में परी दाई माँ से बात करती है और चर्चा करती है कि कैसे नीति कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है जिससे शादी में परेशानी आ सकती है, और मुझसे बदला लेने के लिए नीति मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेल रही है। मैं किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकूंगी। कैसे कैसे रोकेगी? क्या सोचा तूने? मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। परी इस बात से चिंतित हो जाती है और नींद में भी डर जाती है। अगले दिन परी शादी के लिए तैयार होकर निकलने लगती है, तभी दाई माँ उसे रोकने आती है। दाई माँ उसे शादी में न जाने की सलाह देती है, लेकिन परी कहती है कि नीति ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। इसके बाद परी निकल जाती है। ये क्या कर रही है? कोई जरूरत नहीं उस शादी में जाने की, बिल्कुल मत जा। शादी में जा सकती है दूसरी तरफ संजू दलजीत को बिल्कुल पसंद नहीं करता और बबली के घर जाकर उससे सवाल पूछता है। सब बताते हैं कि नीति ने ही सब कुछ प्लान किया है और परी फिर भी बड़ी बहन का फर्ज अदा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नीति घर में शादी की तैयारियां करवा रही होती है और सजावट की जा रही होती है। तभी संजू गुस्से में वहां आता है और देखता है कि घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, खासकर इसलिए कि नीति ने अगले ही दिन शादी तय कर दी है। गुस्से में आकर संजू तोड़फोड़ करने लगता है। बंद करो अपना ये तमाशा। कोई शादी वाली नहीं होगी यहाँ पे। डेकोरेटर्स बाहर निकलो। इस पर नीति भी चिल्लाती है और कहती है कि दलजीत की हरकतों के बावजूद शादी हो रही है, इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। होती कौन है ये शादी रोकने वाली? संजू प्लीज चिल्लाओ मत। इस घर में कोई शादी वादी नहीं हो रही है। सबके सब डेकोरेटर्स बाहर। मैं नहीं करवानी ये शादी। करो अपनी मन की। मुझे क्या? मत करो। संजू का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन तभी बबली का भाई आकर नीति का पक्ष लेता है। इसके बाद नीति समझाती है कि जब किसी को कोई समस्या नहीं है तो तुम्हें क्यों है। उसने कहा कि जो लड़की उसके साथ शादी से पहले ये सब कुछ कर सकती है वो तो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसी लड़कियों को बीवी नहीं बनाया जाता, ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ दिल बहलाने के लिए किया जाता है। ये शादी जो हो रही है ये बिना मेरी मंजूरी के हो रही है। इनफैक्ट कोई भी इस शादी के लिए हाँ करने के लिए तैयार नहीं था, जो कि मुझे पता है कि जो भी जिसने भी हाँ करी है वो मजबूरी में की होगी। और कहीं ना कहीं मुझे पार्वती जो कि परी है मेरी, उसने मुझे समझाया था कि आप ये शादी रोक सकते हो और ये शादी आपको ही रोकनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे वो हिट होता है कि हाँ पार्वती बिल्कुल सही कह रही है कि मुझे शादी रोकनी चाहिए। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि शादी की डेट कल ही फिक्स हो गई है और बबली के घर वालों ने ये डेट फिक्स नहीं की है, इनफैक्ट बबली को तो पता ही नहीं है कि इस डेट पे शादी हो रही है, आई मीन कल शादी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एकदम से मैं ट्रिगर हो जाता हूँ और कि ऐसा किसने किया है, कौन है जो मतलब जिसने कल ही शादी की डेट फिक्स कर दी है।
फिर मुझे पता चलता है कि वो नीति है, और मैं घर में आके देखता हूँ कि डेकोरेशन चल रही है, सारा धूमधाम से चीज़ें चल रही हैं और कोई रोक टोक नहीं है, तो मैं आके सब तोड़ा फोड़ी इधर से उधर, फिर मुझे नीति कन्विंस करती है, मैनिपुलेट करती है, और फिर मैं देखता हूँ कि विक्रम इसकी बबली की मम्मी, सब लोग राज़ी हैं, ताई जी भी इनफैक्ट डेकोरेशन कर रही हैं, तो अब सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब खुश हैं, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। सो हाँ, अब बेचारा संजू पागल बनाते रहते हैं मेरे को। अब मेरे को लगता है पार्वती आएगी, फिर मुझे समझाएंगी, और आगे की स्टोरी मुझे थोड़ी सी पता चली है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो कुछ भी करेंगे मैं और परी साथ मिलके करेंगे। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि वो अपना राज खोल दे, लेकिन वो है कि कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। पता नहीं उनको ऐसा क्या लगता है कि मैंने क्या कर दिया, जो कि उनको लगता है कि मैंने ऐसा किया है वैसा नहीं किया है, बट वो कन्फेस कर ही नहीं है, तो कर ही नहीं रही हैं, तो मैं भी क्या ही बोलूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं सही हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी कि कब हम दोनों एक साथ वापस आएंगे, बट बहुत जल्दी आएंगे, और ये जो नोक झोंक चलती रहती है हमारे बीच में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एज एन एक्टर्स हमें करने में बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली जो हम लोग इसकी शादी करवा रहे हैं दलजीत की और बबली की, तो उसके लिए प्रजाई जी भी खुश नहीं है और संजू भी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो परी ने उसको बोला है कि मतलब ये शादी होनी चाहिए। वैसे तो सबको पता है कि दलजीत तुम खुश हो। हाँ, मैं तो खुश हूँ। एक्चुअली हम इसलिए खुश नहीं कि उसकी शादी हो रही है, हम इसलिए खुश हैं कि मैं, नीति और सुलोचना जो है वो इसलिए खुश है कि कम से कम इसकी शादी के थ्रू हमें वो एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं ही परी हूँ, किसी तरह से परी का खुलासा हो जाए, इसलिए वो लोग खुश है। वैसे उन्हें कोई मतलब नहीं वरना उसकी शादी से। और मुझे तो मेरा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है दलजीत जो है, क्योंकि मैं जानती हूँ बचपन से वो कैसा है और मैंने उसको डिजोन किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बबली जैसी मासूम लड़की उसके हाथों में फंसे, तो मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी फैमिली जो है उसका, एक उसका भाई, उसका खुद का भाई, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं शादी को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है बबली और दलजीत के बीच में उनके हिसाब से, तो हम लोग भी थोड़े से इसमें ढीले पड़ रहे हैं, थोड़े से यू नो सॉफ्ट हो रहे हैं। लेकिन संजू तो इसको लेकर बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है, वो एक्चुअली वो पार्वती से थोड़ा सा ये हो गया है प्रभावित। यस, और कहीं ना कहीं वो परी है, तो पार्वती खुश नहीं है, पार्वती डिस्टर्ब है, तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। एंड जो आज तोड़फोड़ हुई वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाह रहा है कि उसकी शादी, और सबको पता है कि दलजीत थोड़ा बदमाश और थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक बिगड़ा हुआ लड़का है बेसिकली, और वो लड़कियों की इज्जत बिल्कुल नहीं करता है, तो इस वजह से संजू बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी शादी हो, तो वो इसलिए बोलता है कि पूरी फैमिली को पता है कि वो कैसा है, लेकिन जो है वो नीति जो है उसे मैनिपुलेट कर देती है। वहाँ पर बहुत गुस्सा आया है और पूरा तोड़फोड़ कर रहा है, बंद करो ये शादी, नहीं होगी शादी, दिस एंड दैट। नीति उसे मैनिपुलेशन ये करती है कि मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं करा रही भाई, वो तो मना कर रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब लड़की का वीडियो बन गया है तो उसकी इज्जत बचाने के लिए हमें उससे शादी करानी पड़ेगी, क्योंकि दलजीत तो मान ही नहीं रहा था, उसको तो मैंने मनाया, जबकि हमें पता है कि वो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो उसे मैनिपुलेट करने के लिए और भी फैमिली को, शायद इसलिए उसके बाद प्रजा जी भी थोड़ी सी वो जाती है कि नहीं, अगर मैं पहली वाली होती ना पम्मी पम्मी ताई जी, अभी तो इन्होंने पता नहीं मुझे क्या कर दिया है वो नीति वो लोग ने, मैं ऐसी सहमी सी हो गई हूँ। लेकिन अगर मैं पहली वाली होती तो मैं दलजीत की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ा देती थी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तो अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, हाथ बंधे हुए मेरे, बस यही झगड़ा हुआ आज। यह तो थी सीरियल की कहानी जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे सीरियल परिणीति के सेट पर एक डायलॉग को लेकर नीति यानी तन्वी डोगरा अटक गई थी। ऐसे लड़कियां बीवी बना लेना है। सेट पर डायलॉग डिलीवरी के समय तन्वी डोगरा कई बार फंबल हो गई, जिसके चलते उन्हें कई टेक्स्ट देने पड़े। आप भी देखिए। ऐसे लड़कियां बीवी बना लेना है। ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ बाद में सेट पर मौजूद सभी को-स्टार्स ने उन्हें हिम्मत दी और आखिरकार टीवी स्टार नीति यानी तन्वी डोगरा ने एक ही टेक में अपना डायलॉग परफेक्टली दे दिया।
वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो एक फ्लो में बहुत अच्छा जाता है, और उसको वो फ्लो मिल रहा था वो ऑब्जेक्ट गिराने से, तो वहाँ से वो फ्लो पकड़ रही थी, बट बीच में से पकड़ में नहीं आ रहा। और बीच में से क्या है, हम अगर से हम सब को एक्टर हैं तो हल्का भी किसी की हंसी या कुछ आ जाता है ना, तो एक यू नो हंसी एक ऐसी चीज़ है जो कीड़ा तो नहीं कहूँगी, एक अच्छी चीज़ है वैसे तो, लेकिन काम के बीच में डिस्टर्ब होता है, बट एडिक्शन जो है ना हंसी का, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो फिर वो यू नो वो थॉट टूट गया, तो थॉट की वजह से ऐसा हुआ। और सेकेंडली कि एक कोई शब्द था, मैं बोलूँगी नहीं अभी यहाँ पर, कुछ ऐसा शब्द होते हैं कि जब हम जिसे हम नेशनल टीवी पे नहीं बोल सकते, तो उसके लिए क्या होता है ना, जब एक्टर प्रिपेयर कर लेता है ना और फिर बीच में चीज़ें हटानी या जोड़नी पड़ती है, तो समटाइम्स होता है, और ऊपर से हंसी के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा था, तो तो आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।